सत श्रीकाल फास्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज दे विच। मोहाली तो कांग्रेसी उम्मीदवार बलवीर सिद्धू के भरा के घर एक्साइज विभाग वालों रेड की गई, जिस दौरान सिद्धू के भरा मेयर अमरजीत जीती के घरों वड्डी गिनती विच समान बरामद होया। मेयर के घरों नवे लेडी सूट ते सिलाई मशीना मिलिया ने। मेयर के घरों बरामद समान कल चोणा विच वंडे जाण दा खदशा। सूत्रां तों मिली जानकारी अनुसार मेयर दे परिवार वालों चोण कमिशन दे अधिकारी ते पुलिस वालों कार्रवाई ना करन दा दबाव भी पाया गया। बलबीर सिद्धू दे रिश्तेदार चोण अमले नूं समान जब्त करन तों भी रोकदे रहे। वोटिंग तो डेरा सिरसा नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आई। वोटां नूं लैके डेरा सिरसा अज शाम तक पत्ते खोलेगा। चोणां दौरान डेरे वालों केड़ी पार्टी नूं समर्थन दिता जावेगा, जिसका सुनेहा शाम तक पहुंचेगा। सूत्रां तों मिली जानकारी अनुसार डेरा किसी एक सियासी दल का समर्थन नहीं करेगा। डेरे वालों हल्कियां दे हिसाब नाल फैसला लिया जावेगा। सीएम चन्नी दे यूपी बिहार दे भइए वाले दिते बयान ते प्रवासी मजदूरां विच भारी गुस्सा दिखाई दे रहा। पंजाब दी कांग्रेस सरकार ते प्रवासी मजदूर भड़ गए ने। हलका गढ़ शंकर च प्रवासियां ने कांग्रेस सरकार खिलाफ रोस मुजहरा किया, जिन्हां दा कहना है कि वह चोणां च कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह बाइकाट करनगे। प्रवासी मजदूरां दा कहना है कि चन्नी दे बयान ने साडे मन नूं ठेस पहुंचाई है। केजरीवाल दे वक्खवादियां नाल संबंधां दी केंद्र सरकार जांच कराएगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मांग नूं मान लिया। गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी की SFJ नाल संबंधां दी जांच का भरोसा दिता है। दस दिए कि सीएम चन्नी ने SFJ वालों आप दे समर्थन च जारी पत्र का हवाला देकर जांच की मांग की थी। कुमार विश्वास वालों केजरीवाल के खालिस्तानी समर्थकों नाल संबंधां बारे किए खुलासे का भी चन्नी ने हवाला दिता सी। कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक बार यह बयान देन कि वह खालिस्तान के खिलाफ ने। कुमार विश्वास ने कहा कि पिछलियां चोणां दौरान दहशतगर्दी जथेबंदियों के समर्थकों केजरीवाल मीटिंगां हुंदियां सन। उन्होंने केजरीवाल की वक्खवादियों हुई मीटिंग रंगे हत्थीं भी फड़िया, इसलिए मेरे बयान केजरीवाल झूठा साबित करके विखाउण। उन्होंने कहा कि केजरीवाल किसी भी थां ते आके मेरे नाल बहस कर लैण। चोन प्रचार का सिलसिला खत्म होने तो बाद साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बयान सामने आया। सरदार बादल ने कहा कि अकाली दल बसपा ने जंग नूं सिखर तक पहुंचा के फतेह दे झंडे गड्डे ने। उन्होंने कहा कि अकाली दल बसपा गठजोड़ लामिसाल जित नाल वापिस परतेगा। साडा गठजोड़ सिर्फ जित ही हासिल नहीं करेगा, दरबारी बुद्धिजीवियों नूं भी हैरान कर देवेगा। आम आदमी पार्टी की मुहिम 2017 वांग सिर्फ सोशल मीडिया का बुलबुला दोहराया जा रहा। कांग्रेस पार्टी बारे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुहिम शुरू तो ही तबाह सी। आम आदमी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट च पंजाब के किसान विरोधी स्टैंड उन्होंने लैके बैठ गया। उन्होंने कहा कि असी जमीनी पद्धर नाल जुड़े रहे ते जमीन ते मेहनत की, जिसके सदका अकाली दल बसपा गठजोड़ सही समय ते सिखर ते पहुंचे है। चोन प्रचार दौरान श्रोमणी अकाली दल नूं सोशल मीडिया से भरवां हुंगारा मिल रहा। दरअसल सुखबीर सिंह बादल वालों चोन मैनीफेस्टो जारी करने वाली पोस्ट नूं 10 लाख तो वध लोगों ने वेख्या। चोन प्रचार के आखिरी दिन सुखबीर बादल की रोड शो वाली वीडियो पोस्ट नूं 1 लाख लोगों ने इकट्ठे वेख्या। सुखबीर बादल ने अकाली दल के मैनीफेस्टो नूं सराहाउण लई पंजाबियों का धन्यवाद किया। सुखबीर बादल का कहना है कि मौजूदा रुख अकाली दल बसपा की वड्डी जित वल कर रहा इशारा दस रहा है। दस दिए कि होर किसी पार्टी नूं सोशल मीडिया से जमीनी पद्धर से चोन प्रचार दौरान इन्ना भारी समर्थन नहीं मिला। फिरोजपुर देहाती तो कांग्रेस की विधायिका सत्कार कौर नूं पार्टी चो बाहर कढ़िया गया। कांग्रेस वालों फिरोजपुर देहाती तो पार्टी की विधायक नूं पार्टी विरोधी गतिविधियां दे कारण कांग्रेस चो बाहर कर दिता गया। इसकी जानकारी पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने दी है। दसनयोग है कि फिरोजपुर देहाती हल्के तो सत्कार कौर की थां आम आदमी पार्टी नूं छड़ के कांग्रेस च शामिल होए अमरदीप सिंह आशू बंगड़ नूं उम्मीदवार बनाया गया, जिसका सत्कार वालों लगातार विरोध किया जा रहा। इस दे चलते उन्होंने पार्टी विचों बाहर कढ़िया गया। सर्व भारती कांग्रेस के जनरल सकत्तर ते मीडिया ते संचार विभाग के कौमी इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने आम आदमी पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी ते वड्डा हमला बोलदिया कहा कि पंजाब दीआं चोणां विच आप ते भाजपा की मिली भुगत का पर्दा फाश हो गया। गल स्पष्ट हो चुकी है कि केजरीवाल की पिठ ते नरेंद्र मोदी का हाथ है। अज पराक्रम बहादुरी ते संघर्ष की धरती पंजाब नूं ठगन की साजिश रची जा रही है। इसका जवाब लोग 20 फरवरी नूं वोट की चोट नाल देणगे। पंजाब च चन्नी का जादू भी चलेगा। पंजाब ते पंजाबीयत का जादू उस तों भी वध चलेगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत नाल परतेगी।
कर्नाटक च हिजाब विवाद हुण एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा। उत्थे हुण इस विचकार 17 फरवरी नूं तुमकूर च गर्ल्स एम्परन सरकारी पीओ कॉलेज के बाहर हिजाब नूं लैके प्रदर्शन दौरान सीआरपीएफ की धारा 144 तहत जारी मनाही की उलंघना करने के दोष च घट्टो घट 10 कुड़ियों विरुद्ध आईपीसी की धारा 149, 43, 145, 188 तहत FIR दर्ज हुई है। उत्थे ही इस तों पहला बीते दिन शिवमोगा जिले च हिजाब से पाबंदी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने तों बाद कर्नाटक के स्कूल दियां 58 विद्यार्थियों नूं मुअत्तल कर दिता गया। विद्यार्थियों की मांग थी कि जमात के अंदर हिजाब पहनने की मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि हिजाब साडा अधिकार है, असीं मर जावांगे पर हिजाब नहीं छड्डांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सारे भ्रिष्ट लोग आम आदमी पार्टी विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में 12,430 आधुनिक क्लासा के उद्घाटन अजिहे लोगों को करारा जवाब मिलेगा। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि देश इन भ्रिष्ट लोगों अगे नहीं झुकेगा तो अगे वधेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि देश के सारे भ्रिष्टाचारी साडे विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। अज असी दिल्ली के स्कूलों में 12,430 आधुनिक क्लासरूम शुरू करके उन्होंने करारा जवाब देवे। पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके अमृतसर प्रशासन वालों चोण दस्ते नूं ईवीएम मशीनां जारी कर दित्तियां गईआं ने, जिस विच बूथ दस्ते नूं बूथ दा समान, बैल्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट अते दस्तावेज पार्टियां लई रूट प्लान दित्ता गया। बूथां ते कोविड किटां ते मास्क भी पहुंचा दित्ते गए ने। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्नवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।